दिया गया है, ठीक है, आपके पास क्या है, दिया गया है, क्या दिया गया आपके पास, पहले देखेंगे, आपके पास दिया गया है, ठीक है, वृत्त की परिधि, आपके पास क्या दी गई है, वृत्त की परिधि आपके पास दी गई है 22 सेंटीमीटर, तो आपने क्या निकालना है, चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या निकालना, वृत्त की परिधि निकालनी है ना, वृत्त की परिधि क्या फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर, 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपका क्या आर फाइंड आउट करना है, 2 का 2 का 2 आएगा, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, आर आपने फाइंड आउट करना है, और किसी की वैल्यू दी गई है 22, ठीक है। अब 2 से 22 को गुणा कीजिए, 22 × 44 / कितना है, 7 × r = 22। अब आर को यही छोड़ना है, ये कहाँ जाएगा, परली साइड, ठीक है, आर यही छूटेगा, पहले लिखा क्या है, 22 को 22 लिखना, ठीक है, 22, अब ये यहाँ यहाँ ये क्या हो जाएगा, उधर का हो जाएगा उल्टा, क्या हो जाएगा, 44/7 उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा 7/44, ठीक है। अब काटेंगे 22 से कम 22 × 44, तो R की वैल्यू कितनी है, अब 7/2। अब क्या निकालने को बोला है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, अब निकालेंगे चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला 1/4 × π r² 1/4, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 × पाई की वैल्यू, और आर कितना, आर निकला आपका 7/2, 7/2 2 टाइम लिखना पड़ेगा, 2 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, ठीक है। अब कितना बचा, 11 × 7, 11 × 7/2 कितना बचा, 4 × 2, 4 × 2, अब कितना हुआ ये, 11 × 7 = 77/8, तो आपके पास क्या क्या निकला, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है, 77/8।